स्वतंत्र वीर सावरकर जयंती के अवसर पर बोरीवली में स्थित स्वतंत्र वीर सावरकर उद्यान में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भाजपा सांसद गोपाल सेठी उपस्थित रहे। आई अभी 28 और 29 को वीर सावरकर जी का जयंती यहां पर बोरीवली के वीर सावरकर उद्यान में हम मना रहे। कल मराठी गीतों का कार्यक्रम हुआ और आज गुजराती डायरों और गुजराती डायरों में भी गुजराती और मराठी दोनों कलाकार मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र और गुजरात का जो 1947 के पहले भी ये दोनों राज्य एक था, ये दोनों राज्य के लोग एक साथ में रहते थे और आज भी उस परंपरा को हम सब लोगों ने मिलकर कायम रखी है। वीर सावरकर जी की अपेक्षा यही थी कि देश एक हो, देश आज़ाद हो। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वीर सावरकर जी का वो गीत, उन दिनों में उन्होंने गाया था, यानी ये इसकी विशेषता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि वीर सावरकर जी ने जो उनकी उपेक्षा हुई, जो याचनाएं उन्होंने सहन की, उनका जीवन किस प्रकार का था ये हम सबको पता है। लेकिन ऐसे हालात में भी ये सोचना कि बलशाली भारत हो विश्वात शोभनी हो, यानी हमारा देश बलशाली होना चाहिए और विश्व में उसकी सुंदरता खूबसूरती बढ़नी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश बलशाली भी हुआ है और पूरे दुनिया आज भारत को वाह वाह कर रही है। ये वीर सावरकर जी का सपना हम सब लोगों ने मिलकर पूरा किया है। आइए हम सब लोग मिलकर संकल्पना करें कि वीर सावरकर जी ने जो सामान्य लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर जिन जिन महापुरुषों ने इस देश को आज़ादी दिलाई, उनके आशा और अपेक्षा पर हम सब लोग मिलकर खड़े उतरे और लोगों की सेवा करने की प्रेरणा माँ भगवती हम सबको दे। यही मैं आज सावरकर जयंती के अवसर पर अपने मन की भाव व्यक्त करना चाहता हूँ।